वेलकम बैक टू द नेक्स्ट फ्यूचर व्यूज। और आज हम बात करेंगे ऑल न्यू 2022 फोर्स गुरखा के बारे में। और करंटली हम जो आपको इसका प्राइस बताएंगे वो है हिमाचल प्रदेश मंडी का, इसका एक्स शोरूम प्राइस है 14,55,000 रुपीज़ एंड इसका ऑन रोड प्राइस है 16,50,000 रुपीज़। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम इस व्हीकल के बारे में वो हर एक पॉइंट कवर करेंगे जो कि आपको थार में देखने में नहीं मिलेगा, साथ में और इसमें देखने मिल जाएगा, और साथ में क्या एक्सेसरीज मिलती हैं और क्या एडवांटेजेस मिल जाते हैं आपको फोर्स गुरखा में, आपको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं कंपैरेटिव थार के, तो उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इसकी कीज़ दिखा दें। इसकी कीज़ जो व्यूअर्स आपको कुछ इस तरह से देखने मिल जाती हैं, ये देख सकते हैं इसकी कीज़, दोनों कीज़ सिमिलर देखने मिल जाती हैं एंड साथ में व्हीकल लॉक अनलॉक करने का बटन, और इससे आप अपनी लाइट्स को जो है ब्लिंक करवा सकते हैं, साइड इंडिकेटर्स को, सारे चारों इंडिकेटर्स को आप एक्टिवेट करवा सकते हैं इसकी मदद से। अब बात की जाए व्यूज़ इसके डायमेंशन के बारे में, तो इसमें जो आपको टोटल ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वो है 225 mm की। साथ ही मैं इसकी जो वाटर वेडिंग कैपेसिटी है, मीन्स आप इसको पानी के अंदर ले जा सकते हैं 700 mm तक, यहाँ तक आप इसको पानी के अंदर ले जा सकते हैं, यहाँ तक इससे ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आप ले जाएंगे तो यहाँ पे एक एयर वेंट रहता है हर एक गाड़ी में, उसकी मदद से जो है वो पानी कैबिन के अंदर भर जाता है। मैक्सिमम वाटर वेडिंग कैपेसिटी इस व्हीकल की यहाँ तक है, स्नॉकल के यहाँ तक, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज़ यहाँ तक इसलिए रेकमेंड करती हैं इससे नीचे, ताकि आपकी गाड़ी के अंदर पानी ना जाए और फ्लडेड ना हो जाए आपका सारा कैबिन, इसलिए इसे यहाँ तक बताया गया है। अब बात करें इसके फ्रंट से, तो सबसे पहले बात है इसमें आपको फ्रंट में जिसकी हेडलाइट्स है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको प्योर LED हेडलाइट्स देखने मिल जाएंगी, रात में काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है, साथ ही में क्रिस्टल टाइप डिज़ाइन डे टाइम रनिंग लाइट का, एंड गुरखा की बैजिंग देखने मिलेगी यहाँ पे, आपको फोर्स की बैजिंग कहीं पे भी नहीं देखने मिलेगी। मीन्स ये इस गाड़ी को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, ना कि अपने लोगों को यहाँ पे दिखा के अपनी कंपनी की पॉपुलैरिटी करें, ये इस व्हीकल को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं। नीचे आपको देखने मिल जाएगा फॉग लैम्प हैलोजन बल्ब के साथ में, अगर आप चाहें तो इसे चेंज भी करवा सकते हैं। यहाँ पर टर्न लाइट इंडिकेटर जो कि आपको मर्सिडीज़ की जी वैगन से इंस्पायर्ड देखने मिलेगा, एंड यहाँ पे गुरखा लिखा हुआ मिल जाता है। साइड में आ जाए तो साइड प्रोफाइल इसकी काफ़ी अच्छी है, और जब भी आप इसे रास्ते पे चलते हुए देखते हैं तो काफ़ी बड़ा व्हीकल है, और इसमें कैबिन स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है जिसकी वजह से। साथ ही में फ्रंट में आप ये जो बार देख पा रहे हैं ना, ये 7,000 रुपीज़ की है, साथ में 25,000 रुपीज़ के अराउंड वो ऊपर आप देख पा रहे हैं रूफ कैरियर, ये सब कुछ इंक्लूडेड है जो मैंने आपको प्राइस बताया है। साथ में इसमें आपको फ्रंट व्हील्स के ऊपर डिस्क ब्रेक्स मिलेंगी, तो रेयर में ड्रम ब्रेक्स, और इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाता है। सीएट के टायर्स दिए गए हैं, ऑफ रोड ऑल टेरेन टायर्स मिल जाते हैं। टायर साइज़ है 245/70R16 का, 111S के टायर्स मिल जाते हैं इसमें। इसमें जो आपको टोटल व्हील बेस मिलता है वो है 2400 mm का, एंड यहाँ पर आप इसके OR व्हील्स देख सकते हैं, ये आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिल जाएंगे। एंड को ड्राइवर साइड की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चढ़ने और उतरने के लिए साइड स्टेप्स एल्युमिनियम से डिज़ाइंड है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ में आते हैं, ये ए ग्रेड क्वालिटी के एल्युमिनियम से डिज़ाइन किए गए हैं। एंड यहाँ पे आप इसके डोर पैनल को देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कोई ज़्यादा यहाँ पे गिमिक्स नहीं है, कोई ज़्यादा फीचर्स नहीं दिए गए हैं, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत मोबाइल फ़ोन रखने के लिए जगह, जो कि एक ऑफ रोड कैपेबल SUV में होनी चाहिए। बाकी आपको थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए यहाँ पे मिलेगी जगह, और अगर आप वाटर रखना चाहते हैं ना, उसका स्पेस यहाँ पे दिए गए जो कि कप होल्डर्स में आप इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। एयर वेंट्स कुछ इस तरह से देखने मिल जाएंगे आपको, देख सकते हैं इसके एयर वेंट्स, ये कुछ इस तरह से आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे SRS एयरबैग फ्रंट रो में आपको दो एयरबैग्स मिलेंगे, और चाइल्ड सीट्स, अगर आपने चाइल्ड सीट यहाँ पर इंस्टॉल किए को ड्राइवर साइड में, तो आप इस एयरबैग को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, इस साइड के की इंस्टॉल करके आप इसे ऑफ कर दीजिए, तो आपके चाइल्ड के लिए सेफ्टी इम्प्रूव हो जाती है। और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दो स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। ग्लव बॉक्स में रूफ में देखेंगे तो यहाँ पे एमरजेंसी वार्निंग्स, चाइल्ड सीट के लिए ग्रैबिंग पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे दोनों तरफ, एक वहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे दिया गया है, मीन्स आप व्हीकल के अंदर ईजिली चढ़ सके। अब इसकी सीट की बात है, सीट्स काफ़ी अच्छी है, और जो लोग थार लेते हैं और जिन्होंने यूट्यूब चैनल भी चलाए हुए हैं अपने थार व्हीकल के साथ, उसके बाद उन्हें गुरखा इतनी पसंद आए कि अब वो गुरखा के साथ ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं कंपैरेटिवली थार के, क्योंकि थार में अगर आप डीजल इंजन लेंगे
तो उसमें आपको यूरिया की प्रॉब्लम आएगी, मींस इको ब्लू फ्लूइड की प्रॉब्लम आएगी, तो उसकी वजह से वो उसको चलाना नहीं चाहते ज़्यादा, और इको ब्लू फ्लूइड की प्रॉब्लम आती है तो अराउंड 8,000 रुपीज़ का आराम से जो बंदे की सर्विसेज में एक रिप्लेसमेंट उसके लाइन को क्लीन करवाने में या फिर उसको रिप्लेस करवाने में खर्चा चला जाता है। तो इसमें वो चीज़ भी नहीं है, एयर ब्लू फ्लूइड भी नहीं है इसमें, जिसकी वजह से आपकी यहाँ पे भी जो है सेविंग हो जाती है एयर ब्लू फ्लूइड में। यहाँ पे अब हम बात करें इसके पीछे, तो यहाँ पे आपको 4x4 लिखा मिल जाता है, मींस 4x4 तो इसके वेक चारों टायर्स है, ठीक है, उसके बाद 4 हाई 4 लो, ओके, और ये 4 का मतलब है सारी चार टेरेन्स के ऊपर ये व्हीकल ईजिली चल सकता है। साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फ्लूइड फिल करने के लिए ऑप्शन, डीजल आप इसमें फिल कर सकते हैं 63.5 लीटर तक मैक्सिमम। साथ ही में यहाँ पे इसमें आप फ्रंट में और रेयर में जो आपको सस्पेंशन मिल जाता है वो है, रेयर में जो इसमें सस्पेंशन दिया गया है वो है मल्टी लिंक विद पेन हार्ड रोड एंड कॉयल स्प्रिंग सस्पेंशन, तो फ्रंट में आपको इंडिपेंडेंट कॉयल स्प्रिंग ड्यूअल विशबोन सस्पेंशन मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपको राइडिंग क्वालिटी जो है इसमें वो काफ़ी अच्छी मिलती है और काफ़ी स्मूथ राइडिंग क्वालिटी मिल जाती है। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं सिंपल डिज़ाइन रखा गया है सारे इसके रेयर एंड का, जिसमें कि आपको हैलोजन के साथ में कंप्लीट टेल लाइट्स, गुरख की बैजिंग अगेन, और आपको जो फोर्स की बैजिंग है वो यहाँ पे सिर्फ फोर्स की बैजिंग देखने मिलेगी इसके अलॉय व्हील्स के ऊपर। अलॉय व्हील्स भी इसी प्राइस रेंज में इंक्लूडेड है। यहाँ पे टोइंग हुक, जो कि अगर आप थार में इंस्टॉल करवाएंगे तो इसका आपका चालान कर सकता है, साथ ही में आप ये लैडर इंस्टॉल करवाते हैं तो इस चीज़ का भी चालान कर सकता है। मीन्स आप थार में ये रूफ वेल भी नहीं इंस्टॉल करवा सकते क्योंकि रूफ़ उसकी सॉफ्ट है, अगर आप हार्ड टॉप लेते हैं तब भी, और साथ में इसके आगे ये जो आप फ्रंट में देख पा रहे हैं केज, ये भी आप थार में इंस्टॉल नहीं करवा सकते हैं, और इसकी एवरेज भी कंपेयर की जाए थार से तो काफ़ी अच्छी है, और इसका टॉर्क ऑन डिमांड भी काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से ये थार को इजीली पुल करके ले जाती है। यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ से इसके विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड को फिल करने के ऑप्शन, हाई माउंटेड स्टॉप लाइट, साथ में डीफॉगर तो यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको देखने में, जो कि थार में देखने मिलता है, यहाँ पे आपको मिल जाता है वाइपर और वॉशर, और यहाँ पर ग्रैबिंग पॉइंट, ड्यूल डोर फिनिश देखने मिल जाती है इसके। यहाँ पर पैनल के ऊपर, सभी पैनल्स के ऊपर 4 स्पीकर है, 2 स्पीकर यहाँ पर देख सकते हैं और 2 आपको फ्रंट डोर्स के ऊपर देखने मिल जाएंगे, फ्रंट कैबिन में मींस डोर के पास जो स्पेस है फुट रेस्ट के पास वहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। सीट्स कुछ इस तरह से देखने मिल जाती है, यहाँ पे जो टोटल स्पेस है वो है 500 लीटर्स की, आप इजीली इसमें लगेज ले जा सकते हैं, और साथ में अब हम चले अंदर। यहाँ पे मैं बैठ जाऊँ तो बात करूँ यहाँ पे लेग रूम स्पेस की तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, यहाँ से बाहर की विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, देख सकते हैं काफ़ी बड़ी विंडोज़ मिलने की वजह से जो है यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छा है और व्यू भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है देखने में। और अगर आप चाहें तो इसकी सीट्स को कुछ इस तरह से, जिसका आर्म रेस्ट से आप रिक्लाइन कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसकी सीट को कुछ इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं इतने आराम से आप फोल्ड कर पाएंगे और आराम से लेट के भी जा सकते हैं। यहाँ पर आर्म रेस्ट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से आप एडजस्ट कर पाएंगे, साथ में गुरखा की बैजिंग, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ग्रैबिंग पॉइंट्स, रेयर में आपको बूट लैंप कुछ इस तरह से देखने मिल जाएगा, और सेंटर माउंटेड आपको यहाँ पे लैंप देखने मिल जाएगा रीडिंग के लिए, तो इस तरफ भी आपको ये कुछ इस तरह से पॉइंट्स, और यहाँ पे प्लास्टिक, यहाँ पे पैनलिंग दी गई है, काफ़ी अच्छे वे में उन्होंने स्पेस को यूज़ किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्लोर मैट जो ये कंपनी से ही मिल जाते हैं, तो आपको एक इसको वॉश आउट करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, कंप्लीट इंटीरियर को आप आराम से पानी के साथ धो सकते हैं अगर आप धोना चाहें तो। अब आप रियर में देखेंगे तो इसमें आपको यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें एक्सेसरी के तौर पे रिवर्स पार्किंग कैमरा भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। BS6 की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी, एयर ब्लू फ्लूइड का फिल पॉइंट आपको कहीं पर देखने में नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लैडर ऑन फ्रेम चेसिस के ऊपर बेस्ड है सारा व्हीकल। यहाँ पे देखेंगे तो की फॉब इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे लाइट ग्लो करती है, इसके अंदर आप इजीली की फॉब लगा सकते हैं। इसके ड्राइवर साइड की सीट्स जो है वो 6-way मैनुअल एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आती है, साथ ही में डेड पेडल भी मिल जाता है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे आपको डेड पेडल भी दिए गए हैं, कॉइन स्पेस, और साथ में अगर आप एक और इंस्टॉल कराना चाहें बटन यहाँ पर तो इंस्टॉल करवा सकते हैं, जैसे कि फ्लड लाइट इंस्टॉल करवाना चाहें तो आप यहाँ पर इंस्टॉल करवा सकते हैं अगर आप हार्ड कोर ऑफ रोडिंग करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं इसका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये जो है ये अपना सोलर लाइट के साथ में काम करता है और इंजन की बैटरी के पावर के साथ में भी काम करता है, ये दोनों पावर से काम करता है।
बुरखा की बैजिंग आपको यहाँ पे मैट के ऊपर भी देखने मिल जाएगी। और इसके हुड को ओपन करना चाहे तो आप यहाँ से इजीली ओपन कर सकते हैं। इसका माइनर फ्यूज़ बॉक्स यहीं पे साथ में मिल जाएगा आपको। तो इसमें जो आपको एवरेज मिलती है वो है 12 किलोमीटर पर लीटर की। साथ ही में अगर आप इसका 4x4 यूज़ करेंगे तो उस टाइम पर आपको जो मिनिमम एवरेज मिलेगी वो है अराउंड 8 to 10 किलोमीटर के बीच में। यहाँ पे अब आप देखेंगे तो इसका इंजन पे जिसमें कि आपको सेम फोर्स ट्रैवलर का ही इंजन देखने मिल जाता है जो कि है 2.6 CR FM टर्बोचार्ज डीजल इंजन फोर सिलेंडर के साथ में था। मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 91 BHP की एंड टॉर्क जनरेट करता है 250 Nm का। इसका जो टॉर्क जो जनरेट होता है वो है 1400 RPM से अपना कंप्लीट मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। 5-speed इसमें आपको गियर बॉक्स मिल जाता है, साथ में 1 reverse 4 high 4 low एंड 2-wheel drive की ऑप्शन भी मिल जाती है इसमें आपको। एंड इसमें आपको जो इसका माइनर तो मैं आपको दिखा दिया फ्यूज़ बॉक्स अंदर, और मेजर फ्यूज़ बॉक्स यहाँ पे है। एंड रिले आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी इसकी मेजर रिलेज। इसके ऊपर जो वारंटी मिलती है वो है 3 साल और 1,00,000 किलोमीटर की। अब मैं बात करूँ इस ड्राइवर साइड से, तो जैसे ही हम इसे इग्निशन मोड में लाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाएगी। साथ ही में इसमें आपको यहाँ पे जो है TFT डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें कि आप देख सकते हैं इसमें कितने किलोमीटर चला व्हीकल वो, साथ ही में फ्यूल लेवल और कूलेंट टेम्परेचर आप साइड में देख सकते हैं। ऑडोमीटर में दिखा रहा है 1408 किलोमीटर चला हुआ टोटल व्हीकल कंपनी से डीलरशिप तक। और इसके अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो यहाँ पे प्रेस करके आप इसके ट्रिप 1 ट्रिप 2 चेक कर सकते हैं। डेफ लेवल मींस इसमें मिलता तो नहीं है पर वो दिखाता ज़रूर है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको यहाँ पे सेट कर सकते हैं इसका ट्रिप 1 0 करना चाहें तो, और यहाँ पे टाइम दिखाएगा। एंड इसमें आपको स्पीड इंजन RPM देखने मिल जाती है, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट लाइट्स। एंड यहाँ पर आ जाए हम तो इसमें अगर आप चाहें तो अपना मोबाइल फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, और जब आप अपना व्हीकल ऑन करेंगे ना तो आपको कुछ इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। साथ में यहाँ पे आपको टच पैनल मिल जाता है कंप्लीट कैनवुड का, इसमें आपको सिस्टम देखने मिल जाएगा। इसमें आपको वाया ब्लूटूथ मोबाइल फ़ोन कनेक्टिव फीचर मिल जाएगा, साथ में USB का पॉइंट भी मिल जाता है एंड AV इन का पॉइंट दिया गया, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले का फीचर भी मिल जाता है। साथ ही में आप इसमें अपनी सेटिंग्स में जाके इसकी साउंड को भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप डिस्प्ले की हर एक चीज़ को चेंज कर पाएंगे। एंड यहाँ पर स्पेशल में जाके आप इसके डेमो ऑन ऑफ इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम की। रिवर्स पार्किंग कैमरा इंस्टॉल करवाना चाहें तो आप यहां पे करवा सकते हैं इसमें इजीली, एक्सेसरी में आता है इंक्लूडेड। और ऑडियो में जाके अपना इक्वलाइजर बेस स्ट्रिप हर एक चीज़ सेट कर पाएंगे इजीली। इसमें आपको टोटल 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं, कैनवुड का सिस्टम है। यहाँ पे आप नीचे देख पाएंगे इसके 4 इंडिकेटर्स को एक्टिवेट करने का बटन, साथ ही में लाइट्स के कंट्रोल्स, और BS6 नॉर्म को एक्टिवेट करना चाहे तो आप इस बटन से एक्टिवेट कर सकते हैं। मीन्स उस टाइम पे इसकी इंजन RPM जो वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो अंदर कार्बन जमी होगी क्या इसके साइलेंसर के अंदर वो सारा साफ़ कर देगा खुद ही। यहाँ पे मैनुअली कंट्रोल्ड इसके AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नीचे आपको यहाँ पे मिल जाता है इसका चार्जिंग पॉइंट म्यूज़िक के लिए, और साथ ही में फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन मिल जाएगी टाइप ए में, और इस तरफ आप अपना लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन चार्जर इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्रंट एंड रेयर इसमें आपको डिफरेंशियल लॉकिंग मैकेनिज्म मिल जाते हैं मैनुअल, ये आपको चीज़ जो थार में नहीं देखने मिलेगी। मैकेनिकल आपको डिफरेंशियल लॉकिंग सिस्टम सिर्फ रेयर में देखने मिलता है, पर यहाँ पे आपको फ्रंट का भी दिया गया है। साथ ही में यहाँ पे इसके पावर डेक कंट्रोल्स, थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए जगह, 5-speed गियर शिफ्टिंग स्टिक के सराउंडिंग में लेदर फिनिश, 2 कप होल्डर्स की स्पेस, यहाँ पे भी चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं दोनों पैसेंजर्स के लिए। और अब मैं बात करूँ यहाँ से बाहर की विजिबिलिटी की, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको बाहर का व्यू देखने मिल जाएगा। और अब बात की जाए इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको टाइप ऐसे माउंटिंग सिस्टम, 2 एयरबैग्स, कॉर्नर लैम्प, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक सिस्टम मिल जाता है, साथ ही में ABS EBD दिया गया है। व्यूअर्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।